नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को भटिंडा में कहा कि सारे भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी को हराने और भगवंत मान को सीएम बनने से रोकने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी, राहुल गांधी और सारे विपक्षी इकट्ठे होकर आम आदमी पार्टी को हराने आए हैं। सभी लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं, जैसे रात को फोन पर आपस में बात करते हो। कुमार विश्वास पर तंज कसते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक कवि ने एक दिन अचानक कविता सुनाई और फिर पीएम का उस पर ध्यान गया और मुझे आतंकवादी कह दिया गया। केजरीवाल ने कहा कि हम यही कह रहे हैं कि पंजाब में स्कूल अस्पताल अच्छे करेंगे, सस्ती बिजली देंगे, रोजगार देंगे और नशा खत्म करेंगे, लेकिन पूरा सिस्टम मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या विकास की बातें करने वाला आतंकवादी देखा है? अगर मैं आतंकवादी हूं, तो इन लोगों ने अभी तक मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि विरोधियों की बातों पर हंसी आती है। कुमार विश्वास के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने पलटवार करते हुए उनसे तीखे सवाल पूछ लिए। राघव चड्ढा ने कहा कि चुनाव के दो दिन पहले अज्ञातवास से बाहर निकले कुमार विश्वास ये बताएं कि अगर अलगाववाद को समर्थन देने वाली बात सच थी तो सुरक्षा एजेंसियों को क्यों नहीं बताया गया? 2016 में ही पार्टी को क्यों नहीं छोड़ दिया? तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।